राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा, देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन यह है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो, और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है। तो नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि कन्वेंशन है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन का होना चाहिए, और हमने कहा है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि अगर कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा तो पूरा समर्थन स्पीकर के इलेक्शन में हम देंगे। तो ये मैं आपको क्लैरिफाई करना चाह रहा था। यूपीए के समय में हमने दिया था। तो मेरा कहना है कि नरेंद्र मोदी जी कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, यही इनकी फॉर्मूला है, यही इनकी स्ट्रेटजी है, और इनको ये बदलना ही पड़ेगा। थैंक यू। देखिए इशू क्या है कि पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री के शब्दों का कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री कहते हैं कोऑपरेशन होनी चाहिए, सबको मिलकर काम करना चाहिए, बाहर वो कहते हैं और अंदर कुछ और करते हैं। और हमारे लीडर को कहा गया कि कॉल रिटर्न होगा, अभी तक कॉल रिटर्न नहीं हुआ है। धन्यवाद। राहुल गांधी का यह कहना है कि कल राजनाथ सिंह और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष दोनों के बीच बातचीत हुई है, और उस वक्त यह कहा गया विपक्ष की ओर से कि विपक्ष वही स्पीकर के पद के लिए समर्थन देगा एनडीए के उम्मीदवार को, लेकिन जो कन्वेंशन है, जो परंपरा है, उसके मुताबिक डिप्टी स्पीकर का पद जो है वो विपक्ष को मिलना चाहिए। इसके बारे में अभी बीजेपी की ओर से कोई कॉन्फर्मेशन नहीं आई है, सरकार की तरफ से कोई कॉन्फर्मेशन नहीं आई है, ये कहा है राहुल गांधी ने, और फिर से हमला भी बोला है। रवि, तो अगर यहां एक चीज साफ है कि कंडीशन अप्लाइड है स्पीकर के पद के समर्थन के लिए, डिप्टी स्पीकर का पद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए राहुल गांधी ने तो सब कुछ कह दिया, इसमें कुछ बचा नहीं है। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि जो स्पीकर के लिए हमने सहमति दी है कि स्पीकर आपका होना चाहिए, लेकिन हमने डिप्टी स्पीकर के लिए बात कही थी, और डिप्टी स्पीकर के लिए जब मैं बार बार नेताओं से बातचीत कर रहा हूं तो बार बार यही कह रहे हैं कि अभी तक कोई कन्फर्मेशन नहीं है। जो हम लोग कहीं ना कहीं कहा जा रहा, सत्ता पक्ष की तरफ से खबर आ रही है कि डिप्टी स्पीकर के लिए नाम ऑफर कर दिया गया, डिप्टी स्पीकर का पोस्ट ऑफर किया गया है, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्ष को अभी तक डिप्टी स्पीकर के लिए कन्फर्मेशन नहीं दिया गया है। विपक्ष ने भले ही अपनी तरफ से सहमति दे दी है स्पीकर पोस्ट को लेकर, लेकिन डिप्टी स्पीकर को लेकर बात हुई है, सहमति नहीं बनी है, अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आया, राजनाथ सिंह का दोबारा कॉल नहीं आया। और इससे ज्यादा तस्वीर राहुल गांधी क्या, रवि यहां मेरा सवाल यह है कि क्या सरकार के मन में कोई सेकंड थॉट्स हो सकते हैं डिप्टी स्पीकर को लेकर के, क्योंकि जिस तरह से तल्ख रवैया दिखाया जा रहा है इंडिया गठबंधन की ओर से, क्या सरकार भी दो दो हाथ करने के मूड में ये कन्वेंशन तोड़ने की ओर बढ़ सकती है, क्या इसकी संभावना है? देखिए हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राजनीति में कहते हैं ना कि कुछ भी संभव है, तो उसमें कोई संभावना से इनकार आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने बात की है, आपने अगर सहमति ली है उनके बातचीत कर और ये कहा है कि डिप्टी स्पीकर को लेकर हम आपको बताएंगे, तो अगर ऐसी परंपरा नहीं आती है तो सदन में और हंगामे के आसार होंगे, क्योंकि विपक्ष कहेगा कि उनको कहीं ना कहीं धोखा दिया गया है। जिस तरह से राहुल गांधी का बयान है, ये धोखे वाला बयान है कि आपने उनसे सहमति तो ले ली, लेकिन उनकी जो बात थी उन पर आपने सहमति जाहिर नहीं की, तो इसलिए एक लड़ाई वाला फॉर्मूला और बढ़ेगा आगे, और एक सरकार पर एक ठप्पा लगेगा कि सरकार ने कहीं ना कहीं परंपरा भी तोड़ा है और विश्वास भी तोड़ा है। उनके बातों पर नहीं मानना पड़ेगा, उनकी बातों पर भरोसा नहीं करना पड़ेगा, चाहे राजनाथ सिंह हो चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, उन पर एक इस तरह का लांछन लगेगा। ठीक है, अब से कुछ देर में तस्वीर साफ हो जाएगी, क्योंकि 11:30 बजे स्पीकर पद के लिए नामांकन है, और 11:15 बजे अब से थोड़ी देर में एनडीए के तमाम नेता यहां एक साथ नजर आएंगे, और उसके बाद नामांकन के लिए साथ में जाएंगे। इन सबके बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है और कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे बशर्ते डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जाए, जो नॉर्म है, जो कि परंपरा चली आ रही है, उससे छेड़छाड़ ना किया जाए, बदलाव ना किया जाए। ये राहुल गांधी ने कहा है। संसद के दूसरे सत्र के दूसरे दिन भी आक्रामक नजर आए, सरकार पर निशाना साधा और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। ऐसे में देखना है कि अब सरकार की ओर से क्या टकराव की रणनीति अपनाई जाएगी, या फिर मेल मुलाकात करके